नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात 12 दिसंबर 2018 की है। भोपाल के ऐशबाग के टीआई अजय नायर रात 8 बजे के करीब अपने ऑफिस में थे। तभी ऐशबाग के रहने वाले शील कुमार चौबे अपनी 24 वर्षीय बेटी रुचिका चौबे के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका 19 वर्षीय बेटा आयुष चौबे शाम को किसी से मिलने एक कोचिंग की तरफ घर से निकला था, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही बेटे के मोबाइल फोन से किसी ने कॉल करके कहा कि आयुष उसके कब्जे में है। बेटे को छोड़ने के बदले में उसने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। शील कुमार ने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर उसे बरामद करने की मांग किया। मामला अपहरण का था, इसलिए टीआई ने उसी समय सूचना एसपी राहुल लोढ़ा व एडिशनल एसपी संजय साहू तथा जहांगीरबाद सीएसपी सलीम खान को भी दे दिया। सूचना मिलते ही दोनों पुलिस अधिकारी ऐशबाग थाने पहुंच गए। शील कुमार अपनी बेटी के साथ थाने में ही मौजूद थे। एसपी राहुल लोढ़ा ने बाप बेटी दोनों से गहन पूछताछ किया, पर उनकी कहानी एसपी साहब के गले नहीं उतरी। इसका कारण यह था कि शील कुमार एक निजी बस कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते थे। उनका वेतन इतना कम था कि घर भी ठीक से नहीं चल सकता था, जबकि उनकी बेटी रुचिका एक बीमा कंपनी में 14,000 रुपए महीने की सैलरी पर नौकरी कर रही थी। जाहिर है, कोई बदमाश 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए ऐसे साधारण परिवार के बेटे का अपहरण नहीं करेगा। बाप बेटी ने यह भी बताया कि आयुष के घर से निकलने के कुछ ही घंटे बाद बदमाश ने फिरौती की रकम के लिए फोन किया था, जबकि बदमाश किसी का अपहरण करके 2-4 दिन बाद फिरौती की मांग तब करते हैं जब पीड़ित परिवार टूट चुका होता है। फिरौती के लिए शील कुमार के घर जो फोन कॉल आई थी वह भी आयुष के फोन से की गई थी। बाद में फोन स्विच्ड ऑफ कर दिया गया था। बहरहाल, पुलिस ने शील कुमार और उनकी बेटी से जरूरी जानकारी लेने के बाद आयुष के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर लिया और उन्हें यह आश्वासन देकर घर भेज दिया कि पुलिस जल्द ही आयुष को तलाश लेगी। इसके बाद एसपी के निर्देशन में थाना पुलिस आयुष को तलाशने लगी। पुलिस ने आयुष के फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया था। इसके अलावा पुलिस ने जांच कर यह भी पता लगा लिया कि जिस समय आयुष के फोन से फिरौती की कॉल की गई, उस समय उसकी लोकेशन बीना शहर में थी। इसके बाद फोन बंद कर दिया गया था। कोई और रास्ता मिलते ना देख पुलिस अपहरणकर्ताओं के फोन आने का इंतजार करने लगी। पुलिस ने शील कुमार को समझा दिया था कि उन्हें फोन पर अपहरणकर्ताओं से कैसे बात करनी है। एक तरफ पुलिस आयुष का पता लगाने में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी ओर उस पर आयुष को सुरक्षित बरामद करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। आयुष की बहन रुचिका और उसी क्षेत्र में रहने वाला उनके परिवार का पुराना परिचित गौरव जैन थाना प्रभारी से मिलने रोज थाने आते और आयुष के बारे में जल्द पता लगाने की मांग करते थे। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल फैला रखा था। पुलिस ने आयुष के साथ पढ़ाई कर रहे उसके दोस्तों से भी आयुष के बारे में पूछताछ किया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी या किसी लड़की के साथ प्यार का चक्कर तो नहीं था। दोस्तों ने दोनों ही बातों से इनकार किया। पुलिस को कोई ऐसा ठोस सुराग हाथ नहीं मिला जिससे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ पाती। उधर समय बीतने के साथ अपहरणकर्ता बार बार फोन करके आयुष के परिवार पर जल्द से जल्द फिरौती की रकम पहुंचाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि वह हर बार नई जगह से फोन करते थे। 24 दिसंबर को एक बदमाश ने आयुष के पिता को फोन करके धमकी दिया और कहा कि वह कल यानी 25 दिसंबर को दोपहर में सीहोर के क्रिसेन वाटर पार्क पर पैसा लेकर पहुंच जाए। पैसे मिलने के बाद आयुष को रिहा कर दिया जाएगा। शील कुमार ने यह बात एडिशनल एसपी संजय साहू और टीआई अजय नायर को बता दिया। एसपी ने इस बात से अनुमान लगा लिया कि बदमाश बहुत चालाक हैं।
क्योंकि 25 दिसंबर को प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था और आला अधिकारियों को उस समारोह में व्यस्त रहना था। लेकिन एडिशनल एसपी संजय साहू यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टीआई के अलावा अन्य पुलिस टीमों को सादा कपड़ों में सुबह से ही सीहोर के क्रिसेन वाटर पार्क में तैनात कर दिया, ताकि अपहरणकर्ता किसी भी हाल में बच ना पाएं। पुलिस को यह पता लग गया था कि 24 दिसंबर को अपहरणकर्ता के फोन की लोकेशन विदिशा जिले के गंज वासुदा में थी। बहरहाल पुलिस ने सुबह से ही क्रिसेन वाटर पार्क में घेराबंदी कर दिया और शपथ ग्रहण कार्यक्रम से फुर्सत होते ही एडिशनल एसपी भी सादा कपड़ों में वहां जा पहुंचे। पुलिस वहां दिन भर नजरें गड़ाए रही, लेकिन शील कुमार से रुपयों से भरा बैग लेने कोई नहीं पहुंचा, इसलिए पुलिस टीम निराश होकर शाम को वापस लौट आई। लेकिन इस बीच टीआई अजय नायर को आशा की एक किरण नजर आने लगी थी। हुआ यूं कि घर वापस आने के कुछ देर बाद ही शील कुमार के पास अपहरणकर्ता की तरफ से फोन आया, जिसमें उसने पुलिस को साथ लाने के लिए उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दिया। साथ ही धमकी भी दी कि आगे से पुलिस को साथ लेकर आए तो आयुष की लाश तुम्हारे घर भेज दी जाएगी। यह सुनकर शील कुमार घबरा गए। उन्होंने बदमाश की इस नई धमकी के बारे में टीआई अजय नायर को भी बता दिया। अब तक पुलिस बाहरी लोगों पर ही शक कर रही थी। अब वह समझ गई कि आयुष के परिवार के साथ ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है जो उनकी सारी गतिविधियों की जानकारी बदमाशों तक पहुंचा रहा है। इसीलिए टीआई अजय नायर ने शील कुमार से पूछा कि आपके अलावा आपके परिवार में या फिर जान पहचान वालों में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे पुलिस की एक एक गतिविधि की जानकारी मिल रही है। शील कुमार बोले, सर मैं अपनी बेटी रुचिका के अलावा और किसी को कुछ नहीं बताता हूँ। टीआई ने सोचा कि सगी बहन भाई का अपहरण करने वाले का साथ क्यों देगी। एसपी संजय साहू के निर्देश पर टीआई नायर ने रुचिका चौबे की कॉल डिटेल्स निकलवाई, साथ ही रुचिका के बारे में और भी जांच कराई। पता चला कि मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली रुचिका की न केवल जीवन शैली हाई प्रोफाइल थी, बल्कि उसके सपने भी ऊंचे थे। पुलिस को यह खबर भी लग गई थी कि रुचिका का एक बॉयफ्रेंड गौरव जैन भी उस आयुष के बारे में काफी रुचि ले रहा था। गौरव जैन रुचिका का पड़ोसी था और दवा कारोबारी था। ऐसे में पुलिस के सामने शक करने के लिए दो नाम थे, पहला रुचिका जो खुद आयुष की सगी बड़ी बहन थी और दूसरा गौरव जैन जो शहर का बड़ा थोक दवा कारोबारी था। पुलिस ने रुचिका और गौरव जैन के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया तो एएसपी साहू के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने देखा कि जितनी बार भी अपहरणकर्ता ने शील कुमार के नंबर पर फिरौती के लिए फोन किया था, उसके कुछ देर पहले और कुछ देर बाद रुचिका ने गौरव से फोन पर बात की थी। इतना ही नहीं, रुचिका से बात होने के ठीक बाद गौरव ने हर बार एक दूसरे फोन नंबर पर बात की थी। यह संयोगवश नहीं हो सकता था, क्योंकि संयोग एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। पुलिस ने यह जानकारी भी जुटा ली कि रुचिका से बात करने के बाद गौरव जिस फोन नंबर पर बात करता था वह उसकी दुकान पर काम करने वाले नौकर अतुल का है। पुलिस टीम ने अतुल के बारे में पता कराया तो मालूम हुआ कि वह उसी दिन से छुट्टी लेकर गायब है जिस दिन आयुष लापता हुआ था। इस जानकारी के बाद एसपी संजय साहू के सामने पूरी कहानी साफ हो गई, इसलिए उन्होंने पुलिस टीम को गौरव को हिरासत में लेने के निर्देश दे दिए। पता चला कि गौरव भी भोपाल में नहीं है, उसके मोबाइल की लोकेशन आगरा की आ रही थी, इसलिए ऐशबाग थाने की टीम आगरा रवाना हो गई। लेकिन इससे पहले कि टीम आगरा पहुंचती, गौरव के मोबाइल की लोकेशन आगरा से चलकर भोपाल की तरफ बढ़ने लगी। लोकेशन बदलने के समयानुसार पुलिस ने हिसाब लगाया कि गौरव तमिलनाडु एक्सप्रेस में सवार होकर भोपाल आ रहा है, इसलिए ट्रेन के भोपाल पहुंचने से पहले ही पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर ट्रेन से उतरे गौरव को हिरासत में ले लिया। जाहिर है इस बात की उम्मीद गौरव के अलावा किसी और को भी नहीं थी। जैसे ही गौरव को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में थाने लाया गया, उसके पकड़े जाने की बात सुनकर रुचिका भी थाने पहुंच गई। यह देखकर एएसपी श्री साहू समझ गए कि पुलिस ने सही जगह निशाना साधा है। गौरव आदतन अपराधी तो था नहीं जो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता,
इसलिए जरा सी पूछताछ में ही वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि अपनी प्रेमिका रुचिका की आर्थिक मदद करने के लिए उसने आयुष के अपहरण का नाटक रचा था, जिसमें रुचिका के साथ खुद आयुष भी शामिल था। गौरव ने यह भी बताया कि इस काम में उसने अपने नौकर अतुल को भी शामिल कर रखा था। गौरव ने पुलिस को यह भी बता दिया कि कल तक आयुष और अतुल भी उसके साथ आगरा में थे, वहां से तीनों साथ ही लौटे थे। आयुष अलग डिब्बे में सवार था। आयुष भोपाल स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन में सवार होकर इंदौर चला गया, जबकि अतुल उसके साथ ही था। चूंकि पुलिस अतुल को नहीं पहचानती थी, इसलिए जैसे ही स्टेशन पर पुलिस ने गौरव को दबोचा, उससे चंद कदम पीछे चल रहा अतुल वहां से गायब हो गया। अब आगे की कार्रवाई से पहले आयुष को गिरफ्तार करना जरूरी था। पुलिस ने गौरव से यह जानकारी ले ली कि आयुष इंदौर में कहां ठहरेगा। इसके बाद भोपाल पुलिस ने यह जानकारी इंदौर पुलिस को दे दिया। इंदौर पुलिस ने आयुष को गिरफ्तार कर लिया और उसे लाने के लिए भोपाल पुलिस की एक टीम इंदौर के लिए रवाना हो गई। भोपाल पुलिस टीम आयुष को इंदौर से लेकर आ गई। पूरे मामले में रुचिका का नाम पहले ही सामने आ चुका था, इसलिए पुलिस ने रुचिका को भी गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद आयुष के अपहरण की सनसनीखेज कहानी सामने आई, जो इस प्रकार थी। दवाइयों का थोक कारोबारी गौरव जैन भी ऐशबाग थाना इलाके की उसी गली में रहता था, जिसमें रुचिका अपने माता पिता और छोटे भाई आयुष के साथ रहती थी। सीमित आय वाले परिवार के पास जो कुछ उल्लेखनीय था, वह केवल रुचिका की सुंदरता और गरीबी में भी अच्छे तरीके से रहने का उसका अंदाज था। रुचिका के सपने भी बड़े थे। वह अपने भाई को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए खुद की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक निजी बीमा कंपनी में नौकरी कर ली थी। वैसे रुचिका के पिता मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले थे। संयोग से पड़ोस में रहने वाले गौरव जैन का अपनी दुकान पर जाने और रुचिका का ऑफिस के लिए निकलने का समय एक ही था, सो गली में दोनों का अक्सर रोज ही आमना सामना हो जाता था, जिसके चलते पहले आंखों से आंखें टकराईं, फिर एक दूसरे को देखकर चेहरे पर मुस्कराहटें आनी शुरू हो गईं। गौरव का दिल रुचिका पर आ गया था। दूसरी ओर रुचिका के मन को भी गौरव भा गया था। आखिर रुचिका ने जल्द ही उसके बढ़े कदमों को दिल तक आने का रास्ता दे दिया। दोनों में प्यार हुआ तो पहले घर से बाहर मुलाकातों का सिलसिला चला, फिर गौरव ने रुचिका के परिवार वालों से भी मिलना शुरू कर दिया। बाद में गौरव रुचिका के घर भी आने जाने लगा। रुचिका के परिवार की आर्थिक स्थिति गौरव से छिपी नहीं थी, जबकि गौरव की जेब में कभी पैसों की कमी नहीं रहती थी। वह समय समय पर रुचिका के कहने पर उसके परिवार की आर्थिक मदद करने लगा। जाहिर सी बात है, ऐसे मददगार के लिए आदमी खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है, यह समझते हुए भी कि जवान खूबसूरत बेटी का दोस्त बिना किसी मतलब के यूं मेहरबान नहीं होता है। रुचिका के माता पिता सब कुछ जानकर अनजान बने रहे, जिससे रुचिका और गौरव का प्यार दिन ब दिन गहराता गया। इतना ही नहीं, गौरव रुचिका को अपने साथ लेकर घूमने जाता तो लौटने पर उसकी माँ भी बेटी से कोई सवाल नहीं करती थी, क्योंकि गौरव ने उस समय इस परिवार की मदद की थी जब पैसों के अभाव में रुचिका के छोटे भाई आयुष का दाखिला अटकता दिखाई दे रहा था। आयुष अब बड़ा हो चुका था। वह अच्छी तरह से जानता था कि गौरव केवल उसकी बहन से दोस्ती रखने के लिए ही परिवार की मदद करता है। यह जानने के बाद भी वह गौरव को पसंद करता था। इतना ही नहीं, कई बार तो वह गौरव और बहन के साथ घूमने भी चला जाता था। जब उसे लगता कि उसे दोनों के साथ नहीं होना चाहिए, तो वह किसी बहाने से दाएं बाएं हो जाता था। इसलिए धीरे धीरे रुचिका और गौरव का प्यार इस हद तक पहुंच गया कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। रुचिका के परिवार को तो इस शादी से कोई एतराज नहीं था। गौरव की जिद के चलते उसके परिवार वाले भी उन दोनों के विवाह के लिए मन बना चुके थे। गौरव रुचिका की लगातार आर्थिक मदद कर रहा था, लेकिन रुचिका की जरूरतें गौरव की मदद से कहीं बड़ी थीं। जरूरतें पूरी करने के लिए रुचिका ने विभिन्न बैंकों से बड़ा कर्ज ले लिया था। वह सोचती थी कि कुछ समय बाद जब गौरव से उसकी शादी हो जाएगी तो गौरव उसका कर्ज चुका देगा,
लेकिन इसी बीच हालात ने पलटा खाया। हुआ यह कि करीब 2 साल पहले गौरव के घर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में रुचिका के परिवार को भी आमंत्रित किया गया। रुचिका अपनी माँ और भाई के साथ उस कार्यक्रम में शामिल हुई। उसके पिता उस समय कंपनी की बस लेकर खंडवा गए थे। संयोग से जब रुचिका का परिवार कार्यक्रम में गया हुआ था, तभी उसका पिता शील कुमार शराब पीकर घर लौट आया। घर पर ताला बंद देखकर उसे गुस्सा आ गया। जब उसे पता चला कि रुचिका के साथ पूरा परिवार गौरव के यहाँ गया हुआ है, तो वह नशे की हालत में वहाँ पहुंचकर गाली गलौज करने लगा। उसने गौरव के रिश्तेदारों के सामने रुचिका और गौरव के संबंधों को भी उजागर कर दिया। इस घटना के बाद गौरव के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो गए, जिसके चलते गौरव को मजबूरी में रुचिका के बजाय परिवार की पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ी। इस घटना के बाद गौरव का रुचिका के घर भले ही आना जाना कम हो गया, लेकिन दोनों के प्रेम संबंध पहले की तरह बने रहे। इसमें रुचिका का भाई आयुष भी दोनों की मदद करता था। इसके बदले गौरव भी दोनों की कुछ ना कुछ मदद करता रहता था। लेकिन गौरव से शादी हो जाने के भरोसे रुचिका ने बैंकों से जो लोन लिया था, वह उसके गले की फांस बन गया था, क्योंकि रुचिका की आय इतनी नहीं थी कि वह उस लोन की किश्त भी समय पर चुका पाती। गौरव उसकी मदद तो करना चाहता था, पर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाना उसके लिए भी संभव नहीं था। इसलिए आयुष, रुचिका और गौरव तीनों मिलकर इस समस्या से निपटने का रास्ता खोजने लगे। इसके लिए रुचिका और आयुष ने अपने पिता पर भी दबाव बनाया कि वह जबलपुर स्थित अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन बेच दे। दोनों का मानना था कि उससे लगभग 1 करोड़ रुपए हाथ आ जाएंगे, लेकिन शील कुमार इसके लिए तैयार नहीं था। गौरव की पत्नी के पेट में इन दिनों 7 महीने का गर्भ था, इसलिए गौरव ज्यादा से ज्यादा वक्त रुचिका के साथ बिताना चाहता था। उसकी योजना आयुष की मदद से नए साल पर रुचिका को लेकर भोपाल से बाहर जाने की थी। उसका विचार था कि आयुष अपनी बहन को साथ लेकर निकलेगा और पीछे से वह उनके साथ हो जाएगा। इसकी योजना बनाने के लिए कुछ दिन पहले तीनों एक होटल में मिले। आयुष ने गौरव से कहा कि तुम दीदी को लेकर कहीं चले जाओ, इधर हम उसके अपहरण की बात फैलाकर पिताजी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग लेंगे। इस तरह आपको दीदी के साथ नया साल मनाने का मौका मिल जाएगा और हमें पैसा मिल जाएगा। गौरव ने कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम्हारी दीदी और मैं एक साथ गायब हुए तो पल भर में सबको बात समझ में आ जाएगी। हाँ, एक काम हो सकता है कि तुम गायब हो जा। तुम्हारे अपहरण के नाम पर 2-4 दिन में ही तुम्हारे पिता से मैं और रुचिका पैसा ले लेंगे, फिर नए साल पर हम तीनों घूमने चलेंगे। गौरव का सुझाया यह आइडिया तीनों को अच्छा लगा। योजना बनी कि आयुष गायब हो जाएगा और इधर बेटे को बचाने के लिए रुचिका के पिता शील कुमार आसानी से जबलपुर की जमीन बेचकर फिरौती में 1 करोड़ रुपए दे देंगे, जिससे रुचिका का कर्ज भी चुक जाएगा और बाकी की जिंदगी भी आराम से गुजर जाएगी। इस काम में फिरौती के लिए फोन करने और फिरौती की रकम लेने जाने के लिए गौरव ने अपनी दुकान के एक नौकर अतुल को पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया। इसके बाद पूरी योजना को फाइनल कर 12 दिसंबर को कोचिंग के नाम पर आयुष घर से निकलकर गौरव से मिला। गौरव ने उसे अतुल के साथ मिसरोद के एक होटल में ठहरा दिया। कुछ ही देर बाद अतुल ने आयुष के घर फिरौती के लिए फोन कर दिया। 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए फोन आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई, तो आयुष को मिसरोद से निकालकर पहले कुछ दिन छतरपुर में रखा गया और फिर उसे अतुल के साथ आगरा भेज दिया गया। लेकिन इस बीच एसपी अतुल लोढ़ा के निर्देशन और एएसपी संजय साहू के नेतृत्व में आयुष की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने रुचिका, उसके भाई आयुष और प्रेमी गौरव जैन से विस्तार से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जबकि कहानी लिखे जाने तक अतुल की तलाश जारी थी।